दोस्तों, युवा विकास अधिकारी की आंसर की आने के बाद आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया कि अगर आपको लग रहा है कि आयोग ने जो आंसर की जारी की है उसमें कुछ गलत आंसर आ गए हैं तो आप हमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उस पर कार्यवाही की जाएगी। अगर आपके आंसर सही पाए जाते हैं तो आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम पहले ही जो नोटिफिकेशन जारी हुई उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट, कई सारे मेरे भाई बहन का प्रश्न ये है कि आखिर क्या है प्रोसेस, कैसे करें ऑब्जेक्शन, इसका स्टेप क्या है। तो उन्हीं के समस्या को यहाँ पे हम समाधान करने के लिए, उन्हीं के समस्या को सॉल्व करने के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल स्टेप है दोस्तों। बस एक बार वीडियो देख लीजिए, आराम से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने घर पर बैठ कर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है, आयोग द्वारा जो आंसर की जारी हुई है, जो आंसर बताया गया है, वो आंसर गलत है, तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन की पल पल की सबसे सच्ची और सबसे सच्ची सटीक जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको आंसर की पे ऑब्जेक्शन करना है अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है, आयोग का आंसर गलत है। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, न्यूज़ एंड अलर्ट, यहाँ पे देखिए, यह ऑफिशियल वेबसाइट है UP SSC.gov.in की। इस पर आपको गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पे आ जाना है। तो देखिए, यहाँ पे न्यूज़ एंड अलर्ट दिख रहा है, यहाँ पे पहली आंसर की हाईलाइट हो रही है 16/9/2018 की। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करके क्या करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ टाइप करके, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करके लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। चलिए, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं लॉगिन करके। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस पे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें पहला आपको मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, दूसरे मास्टर आंसर की, उसके बाद मास्टर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद मास्टर आंसर की, उसके बाद ऑब्जेक्शन का। यहाँ पे आप देखिए, मोबाइल में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, तो वो मोबाइल से ही घर बैठ के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आपको ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं ऑब्जेक्शन पर। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे प्लस का एक साइन मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, इसी प्लस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ये देखिए निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है जो भी आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, आपत्ति दर्ज करेंगे, इंग्लिश भाषा में करेंगे, अंग्रेजी में, ओके। और दूसरा यहाँ पे देखिए, एक बार सबमिट की गई आपत्ति को बाद में नहीं बदला जा सकता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपत्ति आप स्पष्टता से लिखेंगे, जो टिप्पणी का कॉलम है स्पष्टता से लिखेंगे। अगर आप टिप्पणी नहीं लिखेंगे, बिना संदर्भ या टिप्पणी वाली आपत्ति, आप उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। देखिए, आपत्ति सबमिट करने से पहले उम्मीदवार को समर्थन दस्तावेज, समर्थन दस्तावेज का मतलब यह है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपका आंसर सही है या किस तरह से आयोग का आंसर गलत है, आप उसके लिए एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। प्रूफ आप किसी पुस्तक से दे सकते हैं, आपके पास कोई बुक हो जहाँ से आपको वह आंसर राइट मिला हो, ओके। और तीसरी बात यहाँ पे क्या है, आपको देखिए, आपको फॉर्मेट में PDF, JPG और JPEG फॉर्मेट में 400 KB का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो फाइल होनी चाहिए 400 KB की होनी चाहिए, जिसको आपको अपलोड करना है, ओके। एक प्रश्न के लिए अधिकतम 3 समर्थन दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। समर्थन दस्तावेज मतलब आपको जो प्रूफ देना है कि आपका आंसर इस तरह से गलत है या फिर आयोग का आंसर क्यों गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करते ही आपके सामने देखिए एक पेज खुलकर आ जाएगा, लोड हो, ऐसे ही लोड होगा आपके मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी। लोड होने के बाद देखिए, फिर से आपको एक निर्देश दे दिया गया है, इस निर्देश को अच्छे से आपको पढ़ना है।
इसमें वही बातें बताई गई हैं जो अभी हमने आपको बताया। यहाँ से आपको क्लोज पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका शिफ्ट और डेट आ जाएगा, उसको आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट क्वेश्चन आईडी, देखिए क्वेश्चन आईडी, देखिए आप जो ऑब्जेक्शन करेंगे उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि मास्टर, जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो 8 प्रकार के प्रश्न मिले हैं, 8 प्रकार के प्रश्न एक एक शिफ्ट में मिले हैं, दोनों शिफ्ट में कुल 16 प्रकार के हैं, तो आप अपना आपका जो पर्सनल बुकलेट है उसमें से आप नहीं कर सकते ऑब्जेक्शन। जैसे कि आपका जो पर्सनल एक बुकलेट है क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला है उसमें से आप नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। फिर से हम बार बार कह रहे हैं कि जो बुकलेट आपको मिली है उसमें से आप नहीं दे सकते। आप दे सकते हैं मास्टर क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से पहले अपना मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन गलत है, फिर उसमें से उस क्वेश्चन को तलाशिए और उस पर आप ऑब्जेक्शन करेंगे, इस पर नहीं करेंगे जो आपको मिला है पर्सनली। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि किस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्ट करना है। मास्टर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन सेलेक्ट करना है आपको, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन का नंबर कितना है, 5वां है, और मास्टर आंसर की में उसका 20वां है, तो आपको 5वां नहीं 20वां सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मास्टर क्वेश्चन पेपर पे भी आप पेपर पे ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मास्टर क्वेश्चन पेपर पे, अपने बुकलेट का जो क्वेश्चन पेपर है उस पे नहीं कर सकते। तीसरी बात, क्वेश्चन का यहाँ पे टाइप आपको सेलेक्ट करना है। देखिए टाइप में हम आपको कुछ बता दें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए जैसे कि दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑल ऑप्शन करेक्ट, जैसे कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं चारों ऑप्शन, तो भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन पे भी कर सकते हैं, इनकरेक्ट आंसर की मतलब जो आंसर की आई है वह गलत है, उसमें वह आंसर गलत है, मल्टीपल मतलब कि दो ऑप्शन उसके गलत हैं, या ट्रांसलेशन उसका एरर दिया गया है, तो 4 यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहे हैं, आपको जो लगता है कि गलत है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए तीसरी बात, अंग्रेजी भाषा में आपको यहाँ पे अपना आंसर उसके साथ में आपको कारण बताना होगा, कमेंट उसका टाइप करना होगा। अगर आप संदर्भ या कमेंट टाइप नहीं करते तो आपके ऑब्जेक्शन पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। तीसरा, यहाँ पे अपलोड करना है अधिकतम 400 KB की PDF फाइल आपको अपलोड करनी है, JPG, PDF, JPEG फाइल, तो आपको प्रूफ के तौर पे यहाँ पे देना पड़ेगा किस प्रकार से आपका आंसर गलत सही हो सकता है, किस प्रकार से उसका गलत है, आपको प्रूफ दिखाना होगा अपने करेक्ट आंसर का। ओके, तो ये हो गए आपके ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए आपको सबमिट कर देना है, आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है वह सबमिट हो जाएगा। ओके, ये थी पूरी प्रोसेस। अगर इससे रिलेटेड हमें नहीं लगता कि आपके मन में अब कोई क्वेश्चन होगा, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, सारी की सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।